हेलो दोस्तों, आज कुछ इंटरेस्टिंग एंड फनी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े ही कम समय में एक कार्टून फोटो इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं, बहुत सारे दोस्तों ऐसे होते हैं, उनको कार्टून इमेजेस बनाना बहुत अच्छा लगता है और चाहते भी कि अच्छा बनाया हो, बहुत फनी भी देखने को मिलता है, इंटरेस्टिंग एक अलग सा लुक आता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, तो आप बड़े कम समय में आप एक अच्छा सा कार्टून फोटो क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। चलो मैं इसको लाइव प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ, और मैंने ऑलरेडी से इंस्टॉल कर रखा है प्ले स्टोर से, आपको भी इंस्टॉल करना होगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम जो है टून ऐप, ठीक है, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो जब इस एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इनका इंटरफेस ऐसा आएगा, आपके ऑटोमेटिक ये गैलरी से सारे कुछ डाटा जो फोटो हैं ले लेता है। तो आपको इसमें गैलरी ऑप्शन वाले यहाँ मिल जाता है कैमरा, कैमरा वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके तत्काल में तुरंत आप फोटो करके उसको कार्टून क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं गैलरी से एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ, तो आपकी गैलरी में जितने सारे फ़ोटो रहेंगे आप यहाँ शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं देख लीजिए, एक छोटा सा ये बच्चा है, इसमें ऐड आता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक ये साइज ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो एक कुछ प्रोसेस लेता है, टाइमिंग लेता है उसको क्रिएट करने में, डिजाइन करने में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक ये बन के क्रिएट हो गया, उसको दोस्तों थोड़ा ऐड आता है, और एक बात और, जब ये नेट आपका ऑन रहेगा तभी ये काम करता है। देखिए बिल्कुल बड़े ही कम समय में कार्टून फोटो क्रिएट होकर आपके सामने आ गया है, बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है। उसमें दोस्तों ये वाटर मार्क आता है, अगर आप इसका प्रो वर्जन लेंगे तो ये वाटर मार्क हट जाएगा। वाटर मार्क हटाने के लिए आप वाटर मार्क पे जो लिखा है टून ऐप उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये पैसे लेते हैं इस वाटर मार्क को हटाने के लिए, तो उनको फ्री का ही काम करना है। तो चलिए वाटर मार्क वाला ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। फ्रेंड इसमें ऐड ढेर सारे आते रहते हैं, तो इसको आप क्या करना है, स्किप करते रहना कट करके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर्स ऐप पर आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आपको सेव करना तो सेव वाले बटन पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगी आपके गैलरी में। इसमें कुछ और एडवांस मैं आपको बताता हूँ, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, नीचे ढेर सारे मतलब दिए गए हैं जो यहाँ से क्रिएटर हैं। मान लीजिए इसको हमको इस टाइप का बनाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, और उसके बाद इसको हम जूम आउट करके यहाँ से इसके सर पर इसको जोड़ना है। तो देखिए इस पर ये थोड़ा कपड़ा बड़ा है तो इसको हमको पहले इरेज करना है। तो आप ऊपर देखते हैं अप्लाई के साइड में एक इरेजर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करता है, आपको इस पर इरेज करना है। देखिए ये सिलेक्ट करेंगे तो रेड कलर का ये सिलेक्ट होगा तो ये इतना इरेज होता चला जाएगा। तो आपको पहले सबसे पहले अच्छे से इसको इरेज करना है, ठीक, जूम इन जूम आउट करके आप यहाँ से ऐसे इरेज कर देंगे, ऐसे उसे इरेज कर लेंगे तो अभी उस पर फिट बैठेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद इसको आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको जूम इन जूम आउट करके इसको इसमें सेट करना है। तो अभी थोड़ा अच्छा सा हुआ नहीं तो फिर इस पर हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको पूरा बड़ी तरीके से इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से नीचे देखो थिकनेस को अब हम छोड़ घटा बढ़ा सकते हैं, जो ये जिससे हम इरेज करना है इसका थिकनेस, ठीक है। ये ब्लर का ऑप्शन है तो हम इसको बढ़िया से इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लिए। उसके बाद फिर अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक बहुत अच्छी तरह से इसको हम इसमें फिट करेंगे कि देखने में अच्छा लगे कि हाँ इस तरह इसी बच्चा का है। और देखिए दोस्तों परफेक्ट हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 जो दिया, इसमें अलग अलग करेक्टर हैं, यहाँ पर ऐसे बदलता रहेगा, देखिए
अलग करेक्टर आपको बस सेलेक्ट करके इस पर आपको एडजस्ट करना है। तो चलिए, हम पहले वाला एक्टर अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में भी, तो इसको हमको फिर से सेव करना है। तो अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल से एक अच्छा सा कार्टून फोटो इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको और ज़्यादा एडवांस करना है तो आप इसका जो प्रो वर्जन, उसको आप ले सकते हैं। उसमें ढेर सारे अलग से फीचर आएंगे। नीचे देखिए, बहुत ढेर सारे फीचर्स दिए रहते हैं। फ्री वाला भी अच्छा है, अगर आप कुछ पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो है उन बच्चों के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए जो कार्टून इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा रहा और कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे दोस्तों तक ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।